After subscribing, hit the bell icon for never miss an update from O Mere Yaar Technical PR. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने हर YouTube वीडियो के लेफ्ट या राइट में ट्रांसपेरेंट लोगो कैसे लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है एवरी यूट्यूबर के लिए, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल सिंह और आप देख रहे हैं ओ मेरे यार टेक्निकल प्यार। दोस्तों चलिए मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाता हूं जिसमें ट्रांसपेरेंट लोगो मैंने दिखाया है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट लोगो किस तरह आपके वीडियो में दिखाई देता है। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ट्रांसपेरेंट लोगो कैसे लगाया है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने कल एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया था, एक मोबाइल के बारे में बताया था जिसकी कॉस्ट 299 रुपीस थी और जो सबसे सस्ता मोबाइल था, तो एक बार उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके बैकग्राउंड इरेजर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से बैकग्राउंड इरेजर का आइकन रहता है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन दिया गया है लोड अ फोटो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे इमेजेस हैं, तो जहाँ पर भी आपका जो चैनल का लोगो है आपको उसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके उस पर क्लिक कर देना है। ये मैंने दोस्तों लोगो पर क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डन का ऑप्शन है, आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर जो स्टार का साइन है आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसे थोड़ा सा मूव करेंगे तो यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, तो इसे आप धीरे धीरे करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसे ठीक से रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ये मैंने इसे सेव किया। अब दोस्तों चलता हूँ मैं अपने किसी वीडियो की तरफ। तो वीडियो पर जाने से पहले आपको सबसे पहले एक काइनमास्टर ऐप, जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको अगर वीडियो एडिटिंग के लिए कोई सा भी ऐप यूज़ करना है तो आप काइनमास्टर ऐप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऐप है। तो चलिए मैं काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने काइनमास्टर ओपन किया, मैं यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट का नाम देना है। उसके बाद जैसे ही न्यू नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपको यहाँ से एक वीडियो चूज़ कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर एक वीडियो चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करते जाना है। अब आपको इस वीडियो में जहाँ पर भी ट्रांसपेरेंट लोगो लगाना है वहाँ पर इस वीडियो को ले जाइए और यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इमेज पर क्लिक करना है आपको। अब दोस्तों मेरा जो ट्रांसपेरेंट लोगो था वो इरेजर के फोल्डर में था, तो मैं इरेजर पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ट्रांसपेरेंट लोगो दिया हुआ है सामने, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए जो ट्रांसपेरेंट लोगो है वो काफ़ी बड़े साइज़ में है, तो मैं इसका जो साइज़ है वो छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए, और इसको यहाँ पर कोने में लेकर जाता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों इसको पूरे ट्रांसपेरेंट लोगो को मैं नीचे से बढ़ाकर पूरे वीडियोस में कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसे चला के बताता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों मैं इसका जो साउंड है वो म्यूट पर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये देखिए ये मैंने प्ले कर दिया वीडियो, ये देखिए दोस्तों ये वीडियो चल रहा है और ट्रांसपेरेंट लोगो ये पूरे वीडियो में फैला हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने सारे वीडियोस में, जो YouTube वीडियोस हैं उन सब में ट्रांसपेरेंट लोगो लगा सकते हैं और अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों चलता हूँ मैं, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।